नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। चलिए शुरुआत करते हैं। नर्सिंग घोटाले मामले में रवि परमार का वीडियो वायरल होने के बाद बयान। आशीष अग्रवाल ने फर्जी वीडियो को किया है ट्वीट। मैं यह लड़ाई लगातार लड़ता रहूंगा। आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, मैं उन सब के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। नर्सिंग घोटाले से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर इस तरीके की हरकत की है। मेरे गलत वीडियो को भाजपा के नेताओं ने ट्वीट किया, मैं इसके लिए कोर्ट तक जाऊंगा। जो वीडियो जारी किया गया है वह सिर्फ एक षड्यंत्र है। नर्सिंग घोटाला हुआ है तभी सीबीआई ने कई लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। मैं अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करूंगा और उनके सलाह के साथ मैं इस मामले को लेकर थाने और न्यायालय तक पहुंचूंगा। मुकेश नायक ने कहा कि हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि वीडियो फर्जी है। इस मामले को लेकर हम साइबर सेल न्यायालय के पास जाएंगे। जो लोग वीडियो देखकर बात कर रहे हैं उनको लाखों छात्रों की परेशानी नजर नहीं आ रही। बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अगर बीजेपी में दम है तो मेरे सामने आए। आज लाखों छात्रों की आवाज भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं उठा रहा। दिग्विजय सिंह के वीडियो में जिक्र होने पर कहा कि उनकी भूमिका कोई नहीं है। जब वीडियो ही फर्जी है तो नाम के जिक्र का कोई मतलब नहीं। साइलेंस प्लीज। देखिए, कल से आपके पास एक आशीष अग्रवाल जी ने जो ट्वीट किया है वो एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, तो उसमें मैं पूछना चाहता हूँ पहले तो आशीष अग्रवाल से कि आपको उस वीडियो पे खुद को भरोसा नहीं है? जो भीकू मात्रे है, ये भीकू मात्रे नाम का अकाउंट किसका है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता है या ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई जर्नलिस्ट है जिसकी कोई पहचान नहीं है, उसके अकाउंट से इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है? मतलब किस तरह से इस पूरे वीडियो में देखा जा रहा है कि आशीष अग्रवाल जी ने उसको ट्वीट किया लेकिन उसमें ये वो पुष्टि नहीं कर पा रहे वो सत्य है या झूठा है, वो स्वयं जब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे तो इस तरह के फर्जी वीडियो के माध्यम से जो चार सालों से नर्सिंग के लाखों छात्रों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं उससे भ्रमित करने के लिए इस तरह का वीडियो जारी किया गया है। और जिस तरह से छात्रों की लड़ाई आज तक हम जारी रहेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली छात्रों की। लाखों छात्र है मध्य प्रदेश के। कल मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ में जो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनसे भी मुलाकात करने पहुंचा था, वहां पर भी हमने छात्रों के पांच बिंदु जो थे, मुख्य छात्रों की जो लड़ाई है उसको लेकर हमने पांच बिंदु रखे और उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की और हमने छात्रों के हित में जो भी निर्णय हो उसके लिए हमने सीएम से मांग की कि छात्र हित में जो भी निर्णय लिए जाए, नर्सिंग घोटाले की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। और छात्रों के हित में हमने जो लड़ाई लड़ी है, आप सबने इस लड़ाई में मेरा सहयोग किया है और जिस तरह से मैंने आपके माध्यम से और आपके सहयोग से जिस तरह से नर्सिंग घोटाले को उजागर किया, हमने एक एक कॉलेज की हकीकत दिखाई है। कहीं कपड़े सूख रहे थे, कहीं गार्डन में कॉलेज चल रहा था तो कहीं स्कूल में कॉलेज चल रहा था, तो हकीकत आप सबने दिखाई है और वो हकीकत झूठी नहीं है। और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ उससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और ये लाखों छात्रों की लड़ाई है और लाखों छात्रों की लड़ाई को प्रभावित करने के लिए इस तरह का हरकत की गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। बीजेपी शिकायत करे, आए सामने, बीजेपी के लोग खुद भ्रष्टाचार में शामिल है और वो खुद नर्सिंग घोटाले पे कोई बीजेपी का नेता क्यों नहीं बोल रहा? आज लाखों छात्रों की आवाज बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं उठाता? मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमारे नेताओं ने लाखों छात्रों की आवाज उठाई, मध्य प्रदेश में सड़कों पर हम लाखों छात्रों की आवाज उठा रहे, बीजेपी क्यों चुप है लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर?